शादी के बाद भी पति अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ रहा है। पत्नी के सामने आधी रात को प्रेमिका से मोबाइल पर बात और SMS करता है। यही नहीं, मोबाइल में प्रेमिका के साथ खींची गई फोटो भी दिखाता है। इस बात को लेकर विवाह के बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। शादी को 6 माह हो गए, फिर भी पति अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ रहा है। पत्नी के सामने ही आधी रात को प्रेमिका से मोबाइल पर बात कर प्रेम का इजहार करता है। हद तो तब हो गई जब प्रेमिका के साथ खींची गई फोटो पत्नी को दिखाई। विरोध करने पर पत्नी पर जुल्म ढहाना शुरू कर दिया। यह सिलसिला शादी वाले दिन से ही शुरू हो गया था। अब युवती के सब्र का बांध टूटने पर मामला पुलिस तक पहुँच गया है। हमारी सिस्टर का मामला है, 7 दिसंबर को हमारी सिस्टर की शादी हुई थी। 6 महीने हुए हैं अभी, 6 महीने हुए हैं। 1 महीने से गई, उसी दिन से उन्होंने मतलब क्या दिया है क्या नहीं दिया, दहेज का मतलब वो लाली से टॉर्चर करने लगे। और लड़का का दूसरी जगह अवैध संबंध था, उसने गुड़िया ने उसके फ़ोटो भी देखे, उसे फ़ोटो भी दिखा रहा है और उसे मतलब पैसे भी उसके खाते में ट्रांसफ़र कर रहा है वो भी दिखा रहा है। माँ बाप से कहती थी तो माँ बाप कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन के लिए कर रहा है फिर सब करने लगेगा। इस तरह मतलब लाली कहे तो उसे मतलब मारा पीटा काफ़ी, कई दिन उसे मतलब कई बार उसके साथ मारपीट की, उसकी गर्दन वर्दन दबाने की कोशिश की और उसके साथ मतलब कई सारी मतलब घिनौने काम भी मतलब इसने किए। और उसके बाद इसके मतलब हम इसे सास उसकी किचन में नहीं घुसने दे रही, कई दिन मतलब भूखा रखा इसे। हमें सूचना मिली, मम्मी पापा गए, उनसे भी इन्होंने सब पूरे घर ने गाली गलौज करी। सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी करीब 6 माह पूर्व शाहगंज क्षेत्र के युवक के साथ हुई थी। शादी से पहले युवक ने अपने आप को एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में मैनेजर बताया, लेकिन बाद में पता चला कि उसको दुकान से निकाल दिया गया है। भाई का आरोप है कि प्रेम संबंधों का विरोध करने पर उसकी बहन को बंधक बनाकर रखा गया, खाने के लिए खाना भी नहीं दिया गया। विवाहिता के फोन करने पर शाहगंज पुलिस के साथ पहुँचे परिजनों ने लड़की को मुक्त कराया। हाँ, रात को मैं लड़की को SMS करता है और उसके फोटो भी दिखाए। तो 3-3 बजे बात करता है। हाँ, 3-3 बजे रात को बात कर रहा है फोन पे उसकी। अच्छा। और घर पे ही, और बीच में लाली यहाँ आई है तो उसे घर पे भी लाया है, उसकी माँ को भी पता है सर। अच्छा। हाँ, रात को मतलब घर पे भी लेकर 12 बजे ला रहा है और 3-4 बजे छोड़ के आ रहा है। अच्छा। और सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। हमने पुलिस को शिकायत की, पुलिस की कस्टडी से हम लाली को लेके आए, उसकी आँख वाँख फिर काफ़ी माल लगाया, हमने डॉक्टरी मारना कराया, उसका मेडिकल कराया, पूरा मेडिकल करा के हमने FIR करी। FIR करने के बाद उन्होंने हमें सुलभ केंद्र में भेज दिया कि वहाँ अपना पति वो एक शोरूम है, उसमें मैनेजर बताया फ्रिज के ACTV कूलर का। पति की हरकत से परेशान होकर विवाहिता मायके में रहने को मजबूर है। शनिवार को काउंसलरों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। काउंसलर ने अगली डेट दे दी है। शनिवार को 15 समझौते कराए गए, जबकि एक मामले में FIR के आदेश दिए गए हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।